रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिलायंस ने अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस प्रोग्राम की टेस्टिंग शुरू कर दी है, क्योंकि कंपनी इसी साल के अंत तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्च करने वाली है। रिलायंस डिजिटल के कई आउटलेट पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खरीदारी करने वाले यूजर्स को अन्य बैंकों के साथ साथ जियो फाइनेंस का भी ऑप्शन दे रही है। बता दें, फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च होने के बाद बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक सहित कई अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियों को जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लान क्या है, ये जान लीजिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लान कंज्यूमर और मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस को शुरू करने का है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादातर फिनटेक कंपनियों से इसलिए अलग होगी क्योंकि इसके पास बड़ी मात्रा में डेटा है। बता दें, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की दिग्गज कंपनी मैक्वायरी ने पिछले साल ही अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मार्केट ग्रोथ के मामले में पेटीएम और अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। अब आपको तो याद ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी RSIL के डीमर्जर को इसी साल 4 मई को क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी थी। डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया जाएगा। बता दें, डीमर्जर शेयर स्वैप अरेंजमेंट के जरिए किया जाएगा। अब जरा डीमर्जर और शेयर स्वैप अरेंजमेंट को विस्तार से समझ लीजिए। नई कंपनी यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अक्टूबर तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है। RIL के शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा। बता दें, पिछले साल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को अलग करके एक अलग यूनिट बनाने और बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट करने की घोषणा की थी। अब फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी, ये जान लीजिए। रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है। बता दें, डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देश की 5वीं बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पहले से ही एक NBFC का लाइसेंस है, जिसका फायदा उसे कंज्यूमर या मर्चेंट लैंडिंग में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस तक।